बंगाल के बिगड़े बंगाली कस जोर है बंगाली बंदा, आसाम के तगड़े आसामी एक नया फेंकते हथकंडा, कुछ अंग्रेजी के अंधभक्त अंग्रेजी का पकड़े झंडा, और कुछ मांग रहे ठंडा ठंडा गंगा का घाट मांगे बंदा। तो जान की माँ जिस समय नैहर में आई, माँ सुनैना से आकर के बानी फरमाई, हे मैया तूने सब कुछ दहेज दे दिया, बना करके दुल्हन मुझे भेज, मगर अब कौन सी निशानी ऐसी ले जाऊं, जाकर अवधपुरी में ले जाके दिखाऊं, जाकर अवधपुरी में ले जाके दिखाऊं। तो माँ जानकी जहां पहली बार भगवान राम मिले थे उसी पेड़ के नीचे आई, और जब पेड़ के नीचे आई तो सवाल उठा, जाए जान के मन ही मन में रोली, जैसे मानो उठ रही उसके सपनों की, क्यों मन में व्यथा और आंखों में पानी, मन में व्यथा और आंखों में पानी, रोने लगी श्री राम की रानी, मन में व्यथा और आंख में पानी, मन में व्यथा और आंख में पानी, रोने लगी श्री राम की रानी, मन में व्यथा भैया। बहुत शांति के साथ इस गीत को जरा ध्यान देकर सुने तो अदानी हमारे पंडा जी भी सुनेंगे। भैया भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आप गजल सुनना चाहते हैं हम सवेरे जरूर सुनाएंगे आपको, मगर इतनी वक्त इस गीत को सुन लें। रोने लगी श्री राम की रानी और कहती है, क्या क्या पिता ने ना दिया, विधाता ये तूने क्या किया, क्या पिता ने ना दिया घर उनका भर दिया, विधाता ये तूने क्या किया, क्या पिता ने ना दिया घर उनका भर दिया, मगर अब ले जाऊं मैं कौन सी निशानी, अब ले जाऊं मैं कौन सी निशानी, रोने लगी श्री राम की रानी। आदरणीय गुरुजी,
एक राजा थे, उनके 13 बाप थे, उनके 14 लड़के थे। ये तो सब गाते हैं, कोशिश कीजिए मिलेगा। ये आप ही की किताब है, आप ही के यहाँ निकली है, साहित्य संगम प्रेस से निकली भई है। जानकी जी कह रही, विधाता ये तूने क्या किया, पिता ने क्या नहीं दिया, घर उनका भर दिया, अब ले जाऊं मैं कौन सी निशानी, अब ले जाऊं मैं कौन सी निशानी। रोने लगी श्री राम की रानी, रोने लगी श्री राम की रानी, जिस पेड़ के नीचे मां जानकी रो रही थी उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। भाई साहब जी, भाई साहब जी, बड़े भैया, थोड़ी देर के लिए आप ना सुने तो आराम करें, मगर जिनको सुनना है वो सुन रहे हैं, उनको सुनने दें और इस लाइन को सुन लें। जिस पेड़ के नीचे माँ जानकी रो रही थी उस पेड़ पे एक पक्षी बैठा हुआ था। अभी पक्षी का नाम नहीं बताऊंगा, मगर सवाल काला काला तो था। क्या वो पक्षी नहीं था भोरा, माँ जानकी के साथ वो भी रोने लगा, वो भी रोने लगा और जू जू रोए, जू जू रोए, जू जू रोए। तो करिश्मा क्या होता था, वो कोई नहीं था भोरा, वो पक्षी गया बोरा, तो पूरा पेड़ गया है बो। कोई नहीं भोरा, वो पक्षी गया जो बोरा, वो पक्षी गया जो बोरा, तो पूरा पेड़ गया है बोरा। सुनकर सिया की करुण कहानी, सुनकर सिया की करुण कहानी, रोने लगी श्री राम की रानी, आखिरी बात, अंतिम बात। वो पक्षी था कौन? वो पक्षी कोई और नहीं, वो पक्षी कोयल थी। और जू जू वो रोए, जू जू वो रोए, जू जू वो रोए, पेड़ बौराता जाता था, बेहोश हो गए। जब उसने आंखें खोली तो पेड़ फलों से लद गया था, तो सीता जी के हाथ में, सीता जी के हाथ में एक फल तोड़ करके दिया और कहा, जानकी, ए जानकी, दुनिया में आज के पहले ये फल पैदा नहीं हुआ, दुनिया में आज के पहले ये फल पैदा नहीं हुआ, इसलिए एक फल तोड़ के दिया और कहा, ले ले हृदय को थाम, ले ले हृदय को थाम, उस फल का क्या नाम,
हम गुरु सवाल नहीं पूछते, मगर जब आदमी कोशिश करता है तो कुछ कोशिश करने लगता है। ले ले हृदय को थाम, उस फल का क्या नाम, नाम फल का क्या नाम, वो फल था आम। क्योंकि आम ही एक ऐसा फल है जो 13 दफे ले ले हृदय को थाम, उस फल का क्या नाम, वो फल था आम। सीते ले जा इसको, क्योंकि आम की पत्ती के बंदरवार, आम की पत्ती हवन में, हर जगह आम 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 आम। गुरु कथा करावत हो तो आम। तो सवाल जवाहरलाल का कहना है, ले जा सिया इसे अवध रजधानी, रोने लगी श्री राम की रानी। बंगाल के बिगड़े बंगाली और मांग रहे क्या बंडा। क्यों भाई साहब, क्या जतारा में कोई बंगाली बंधु हैं? अगर बंगाली बंधु यहां आसपास भी हो तो क्या आप परिचित हैं कि वे केवल बंडे खाते हैं? मछली के भला आशिक होते हैं, मछली के और भात के, लेकिन इनके कानपुर में बंडा बहुतायत होता है, इसलिए बंडा खाते हैं। नहीं, ये कारण नहीं। जवाहरलाल ने बंडा शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि इनको कहना था कि गंगा का घाट मांगे पंडा, क्योंकि पंडा को फिट करना है इसलिए इनको बंडा की याद आई और ये घबरा रहे हैं। बंगाल के बिगड़े बंगाली, ये रही नेशनल बात, अब सुनिए इंटरनेशनल बात। कैसे? ईरान में बिगड़े ईरानी, इराक में हमें मुकाम मिले। ईरान के बिगड़े ईरानी, इराक में हमें मुकाम मिले। अंग्रेजन सारे बिगड़ गए कि मिले तो गोरी चाम मिले। और पाकिस्तानी बिगड़ रहे कि मिले तो एकदम बाम मिले। जिद्दी भैया बिगड़ रहे घर मिले कहूं 100 ग्राम मिले। गौलोक में उत्सव है भारी, गौलोक में उत्सव है भारी। रहस रचाया रसिक बिहारी। गौलोक में उत्सव है भारी, गौलोक में रहस रचाया रसिक बिहारी। गौलोक में है उत्सव भारी, जिस
देश में ब्रह्मा पधारे हैं आज। अरे जरा भाई साहब अब न उठो जे उठ गए, क्योंकि इसमें बड़ा इसमें बड़ी बारीकी वाली बात आ रही है कि आ में आ फिट कर दिया जाए, फल में फल फिट किया जाए, आंसू में आंसू हो जाए, तब तो जवाब। ब्रह्मा पधारे हैं आज, ब्रह्मा पधारे हैं आज, आए विष्णु महाराज और ये सब गए हैं विराज। सभी लोग देवता आ गए और हुआ क्या, मन में मगन ब्रह्मा और चक्रधारी, मन में मगन ब्रह्मा और चक्रधारी, रहस्य रचाया रसिक बिहारी, रहस्य रचाया बिहारी। अरे मचल पड़े बांके समरिया, मचल उठे बांके समरिया, वही स्वर की लहरिया, जबकि बाजी बंसुरिया। कन्हैया ने जब अपनी बंसरी फूकी उस समय हुआ क्या, अरे धार बही अमृत की, धार बही आनंद की, धार बही आनंद की, धार बड़ी न्यारी, जब रहस्य रचाया रसिक बिहारी लोक में, लीजिए सावधान हो जाइए, वो फल आने वाला है और वो फल का नाम सुनिएगा और कैसे आया। आनंद है बगराया, जब बंसुरी बजी तो आनंद है बगराया, तब विष्णु नयन से अश्रु बिंदु निकल आया, तब विष्णु नयन से अश्रु बिंदु निकल आया। फिर हुआ क्या वो, अरे अश्रु बूंद जो ढरकाया, अपना रूप दिखाया, वही आंवला कहाया, आंवला कहाया, आंसू से उत्पत्ति आम आंवला। अब मिलाइए जोड़ी, आम कच्चे का चटनी, पके को खाया जाता है, और इसमें भी तो चटनी बनती है आंवले की, पके हुए मुरब्बा बनता है, लेकिन लीजिए आम से ये बढ़ गया, कैसे कि आम का तेल नहीं बनता लेकिन आंवले का तेल भी बनता है जवाहरलाल। खोपड़ी खराब कर दे हम। सवाल है, आम की पत्तियां बंधनवार बनती हैं, लेकिन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए पद्म पुराण के अंदर, कि कार्तिक महीने में आंवले का पेड़ ही पूजा जाता है, तुम्हार पत्ती नहीं पेड़ पूरा पूजा जाता है। राज को समझा क्या कोई अनारी, राज ये समझाना क्योंकि ये है अनारी,
राज ये समझाना है ये अनारी, क्योंकि रहस्य रचाया जब रसिक बिहारी, कौ लोग में वैसे आंसू से एक चीज और पैदा हुई और वो क्या है, रुद्राक्ष। शंकर के नेत्रों से निकला हुआ रुद्राक्ष है, लेकिन उसमें इतने गुण मैं फिट न कर पाता। अक्षर में अक्षर ले ओ, महातम में महातम ले ओ, और साथ में बढ़ जाए तो मानो आम का तेल नहीं बनता लेकिन आंवले का तेल भी बनता है। हटाओ टोपी, लगाओ जल्दी भाई साहब। ये यथाशक्ति मेरा प्रत्युत्तर रहा। वैसे जवाहरलाल फिर कहेंगे, विश बर सावन सावन आयो, करत है दादुर शोर। और मैं बिरहिन बिरह हा की मारी, मैं बिरहिन और निर्मोहिया, चंदा को ताके जस चको हारे, चंदा को ताके जस चको, चंदा को ताके जस चको। चंदा को ताके जस चको, किसी बस्ती में एक साधु रहता बना के कुटिया, और उनके ही पड़ोसी के रूप में एक रहता था बहलिया। टोकरी भर मास बहलिया रोज लाता था, और जितना चिढ़ता था साधु वो उतना चिढ़ाता। उसी के दरवाजे से रोज उल्लाई के एक टोकरी मास निकले। साधु कहे, भाई तनी पीछे से निकल जाया करो। कहे, आपसे किसी माने में हम कम नहीं, आप साधु हैं तो मैं भी पुराना हूं, 53 years old। कहा, बड़े हो? तो एक दिन जब सुनी उसकी बहादुरी, तो एक दिन एक युक्ति साधु के समझ आई और बुला के बैठा लिया, और एक बात है समझाई। क्या? कि देखो कला करिया हो, कि देखो कला करिया देखूं, अरे हम तुम्हारी कारीगरिया, रमा तुम्हारी कारीगरिया, अब तनी ढूंढ के लावा हो, तनी ढूंढ के लावा हो, एक चिड़ई चार टांग की ढूंढ के लावा हो, एक चिड़ई चार पैर की एक ढूंढ के लावा, बड़ी बात भाई साहब। चार टांग की अगर होते महोबा के कवि सम्राट,
तो कहते मन चिरे धर्म अर्थ काम मोक्ष चार गोड़। ये सब नहीं, बिल्कुल प्योर प्योर वैसे जैसे भावरा वैसे मामला। अरे देखूं कारीगरिया मानू तभी कला करिया तोहरी तभी कला करिया, अब तनी ढूंढ के लावा हो तनी खोज के लावा हो एक चिरई चार टांग के। एक चिड़ई चार टांगी तनी खोज के लावा हो, चिड़ई चार टांगी खोज के लावा हो। जवाहरलाल जी उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे आप समझदार हो, जैसी इच्छा हो तो आप ऐसा करो, ये सवाल नहीं। वो मुनि बस फंसाई दिया कि तनी ढूंढ के लावा हो कौनो चिरई चार टांगी। अरे सात रात सात दिना बैठा रे बहेलिया, सात दिना सात रात बैठा रे बहेलिया। अगर इसका जवाब जानना है आपको तो चित्रकूट से संपर्क कायम करिए। जल्दी से जल्दी चित्रकूट से मिलिए। सात दिना सात रात बैठा रे बहेलिया, लेकिन न पाई चार पैर के चिड़ैया, लेकिन न पाई चार पैर के चिड़ैया। अब अरे कैसे कैसे मुंह दिखावा कौन बहाना बनावा, कैसे फांस के लाई हो हम कैसे फांस के लाई हो, कहां से फांस के लाई हो। अरे चिड़ई चार टांग के फांस के लाई हो, चिड़ई चार अरे भाई चिड़ई चार टांग, चिड़ई चार टांग की कस फांस।